एलएसी पर भारत और चाइना के बीच में तनाव का माहौल अभी भी जारी है और इसी बीच में इन दोनों सेनाओं के बीच की झड़प का एक वीडियो सामने आया है। इसी बीच में SCMP ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे लेकर बहुत बातें सामने आ रही हैं। भारत का कहना है कि वही वीडियो है जहां पर हमने हमारे देश के 20 जवानों को खो दिया, तो वही चाइनीज सेना के एक अधिकारी का कहना है कि ये वो वाली झड़प नहीं है, ये तकरीबन मई महीने की झड़प है। यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के पास राइफल भी है, लेकिन भारत और चाइना के बीच में हुई संधि के अनुसार यहाँ पर राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए चाइनीज सेना की, तो आप उनके हाथ में शील्ड देख सकते हैं और साथ ही डंडे से, शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डंडों से ये भारतीय सैनिकों पर वार कर रहे हैं। यहाँ पर लात घूसों और डंडों से इन दोनों सेनाओं के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 7 सितंबर को इसी इलाके में फायरिंग भी की गई, जहां पर चाइना का कहना है कि इंडिया ने इस बार फायरिंग की है और उन रूल्स को ब्रेक किया है, तो वहीं भारत का कहना है कि हमारी सेना वहीं पर डटी हुई है लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है, ये फायरिंग की गई है चाइना की तरफ से, सारे रूल्स को ब्रेक किया है। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको नजर आ रही है उससे तो यही लगता है कि छोटी सी भी हलचल अगर चाइना करता है तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि चाइना के हर एक वार का जवाब भारतीय सेना अच्छे तरीके से देना जानती है। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप तक ऐसी और भी कई खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।